यूक्रेन और रूस के बीच आज सातवें दिन की जंग जारी है। रूस की तरफ से राजधानी कीव और खारकीव समेत कई प्रमुख शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। रूस के हमले से हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। जिधर भी देखिए बस तबाही का मंजर नजर आ रहा है। जलते हुए गगनचुंबी मकान, लोगों के गिरते हुए आसियाने, रुक रुक कर हर तरफ से आ रही धमाकों की आवाजों से लोग डरे हुए हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। रूसी सेना कीव और खारकीव पर कब्जे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। रूसी सेना ने कीव में मिसाइलों से हमला कर टीवी टावर को उड़ा दिया है, जिससे वहां पर टीवी का प्रसारण रुक गया है। रूसी सेना ने खेरसान के दो ठिकानों और बंदरगाह पर भी कब्जा कर लिया है। पैराट्रूपर्स ने खारकीव में एक अस्पताल पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही खारकीव में रूस ने पुलिस हेडक्वार्टर को भी उड़ा दिया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंसी ने दावा किया है कि जंग में अब तक लगभग 6000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। साथ ही रूस के कई टैंक भी उड़ा दिए गए हैं। रूस चाहता है कि जल्द से जल्द हमला कर यूक्रेन पर कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। कीव पर कब्जे को लेकर छिड़ी जंग में यूक्रेन से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक करीब 7 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी देशों में शरण ले चुके हैं। ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं आज पोलैंड में रूस यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है। हालांकि ये बातचीत कब होगी इसका समय नहीं बताया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने रूस को विश्व शांति के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। पुतिन ने जो तानाशाही रवैया अपनाया है, रूस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा भी मंडराने लगा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के परमाणु दस्तों को अलर्ट करने के आदेश ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। कहने को तो रूस के आगे यूक्रेन कहीं भी नहीं टिकता, लेकिन लड़ाई के बीच कब क्या हो जाए इसके खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि आज से लगभग 77 साल पहले जब जापान के दो शहरों पर परमाणु बम गिरे थे, तो मौत का तांडव पूरी दुनिया ने देखा था। हजारों लाखों लोग तड़प तड़प कर अपनों के सामने दुनिया छोड़कर चले गए थे। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो घर के अंदर देखते ही देखते शरीर की खाल जलकर गिरने लगेगी। लाखों करोड़ों लोग पल भर में मौत के आगोश में चले जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि परमाणु हमले का दर्द लोग ही नहीं प्रकृति को भी झेलना पड़ेगा। दुनिया भर में जो बारिश होती है उसमें तेजी से गिरावट होगी और मानसून का पैटर्न भी बिगड़ जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।